आज की वीडियो में मैं आपको सात ऐसी मूवीज बताने वाला हूं जो कि लिटरली प्योर लव स्टोरी है, जो कि आपको ये फील करा देगी कि प्यार कितना प्यारा होता है। और ये सातों की सातों मूवीज एक से बढ़कर एक है, इसीलिए मैं किसी भी मूवी को ऐसे रैंकिंग नहीं करूंगा कि ये नंबर वन है और ये नंबर सेवन है, नहीं, सभी की सभी मूवीज अमेजिंग है। और बिना किसी बकचोदी के सीधा स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि सबसे पहले आती है एक एनिमे मूवी, एंड आई नो कि अब आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा रहा है, नहीं ये कार्टून नहीं है, भूल जाओ सीरियसली, बल्कि ये काफी अच्छी लव स्टोरी है, जिसको कि आप प्रॉपरली एकदम लव स्टोरी भी नहीं कहोगे, लेकिन लव स्टोरी में कुछ अलग है, कुछ यूनिक है। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की और एक लड़के के बीच बॉडी स्वॉप होने लगती है, यानी कि जैसे कि मैं लड़का हूं, आज सोता हूं तो सुबह को एक दूसरी लड़की की बॉडी में उठता हूं, आत्मा चेंज हो जाती है, ऐसा कुछ आप मान सकते हो। तो ये सब आखिर कैसे हो रहा है, वो एक दूसरे की बॉडी में कैसे जा रहे हैं और क्या वो असलियत में मिल भी पाते हैं या नहीं, ये सब जानना है तो मूवी जरूर चेकआउट करना। मूवी का नाम है योर नेम, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। उसके बाद जो अगली मूवी आती है, दैट इज इंडियन मूवी, और जो कि रीमेक है एक साउथ की मूवी का, लेकिन मैंने ओरिजिनल नहीं देखी, मैंने सीधा यही देखी थी, तो इसीलिए मैं इसी को रेकमेंड करूंगा, जो कि एक मराठी मूवी है जिसके डायरेक्टर है रितेश देशमुख और साथ में वो मेन लीड हीरो भी है, उनकी पत्नी भी है। और जब मैंने मूवी देखी थी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, और अब ये हिंदी में हॉटस्टार पर अवेलेबल है। मूवी का नाम है जिसमें कि एक ही मूवी के अंदर आपको दो लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी, और जो इस मूवी में वन साइडेड लव दिखाया है, भाई साहब बवाल, अगर आपने कभी किसी से वन साइडेड लव किया है तो आप इससे डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे। इसके अलावा आप साउथ की ओरिजिनल मूवी भी देख सकते हो, उसका नाम है मंजली, आई डोंट नो कि वो आपको कहां पर मिलेगी। लेकिन इसके बाद जो अगली मूवी है, इट इज अगेन फ्रॉम इंडिया, जो कि एक साउथ की मूवी है, जो कि पिछले ही साल रिलीज हुई थी, जिसमें कि मेन लीड एक्ट्रेस है वन ऑफ माय फेवरेट मृणाल ठाकुर, और मूवी के मेन लीड हीरो है नानी। मूवी काफी डिफरेंट सी लव स्टोरी फील होती है, और इसीलिए मैं आपको इसको रेकमेंड भी कर रहा हूँ कि भाई देखो ये कुछ नया है। मूवी में ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जो कि आपका दिल गदगद कर देंगे लिटरली। और भाई जो मूवी का इंटरवल वाला ट्विस्ट है, दैट वाज लिटरली माइंड ब्लोइंग। मूवी का नाम है हाय नाना। मूवी को आप अपने पार्टनर और पूरी फैमिली के साथ आराम से लगा करके देख सकते हो। मूवी में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बस एक आध दो किसी विस्सी वाले सीन है, जो कि वल्गर तो बिल्कुल भी नहीं बल्कि ब्यूटीफुल है। मूवी नेटफ्लिक्स पर बहुत ही अच्छे हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, जाकर जरूर चेकआउट करना। इसके बाद जो अगली मूवी है, इट इज अगेन फ्रॉम इंडिया, लेकिन इस बार साउथ की नहीं बल्कि बॉलीवुड की मूवी है, और जिस टाइम पर ये मूवी रिलीज हुई थी फ्लॉप हो गई थी लिटरली, लेकिन रिसेंटली मैंने ये मूवी देखी और मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये मूवी एक काफी ज्यादा सीरियस लव स्टोरी है, ये कोई रोम कॉम मूवी नहीं है जिसमें कि आपको बकचोदी देखने को मिलेगी, नहीं, इट्स अ सीरियस लव स्टोरी। तो मैं बात कर रहा हूँ रणबीर कपूर की रॉक स्टार की, जो कि मेरे को बहुत पसंद आई, और अगर आपने अब तक नहीं देखी हुई है तो भाई एक बार जाकर जरूर देखना। और हाँ, इस मूवी को फैमिली के साथ मत देख लेना, लेकिन भाई जो पिक्चर है ना उसको देखना तो बनता है। बंदे को एक बड़ा रॉक स्टार बनना था, उसके लिए उसको दिल तुड़वाना था, और जब दिल टूट गया तो भाड़ में जाए रॉक स्टार बनना, उसको वो बंदी चाहिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन पिक्चर देखो, रॉक स्टार रणबीर कपूर की। I love you. गर्लफ्रेंड बन जा मेरी। इसके बाद जो अगली मूवी है, उसको देखने के बाद डेफिनेटली आपको अपना बचपन का प्यार याद आ जाएगा लिटरली, जो वो स्कूल का पहला प्यार होता है, आपकी यादें ताजा हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि फर्स्ट लव इज ऑलवेज ब्यूटीफुल बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट, ऐसा ही कुछ कुछ आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगा। पहले पहले पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एंड आते आते आपको ये भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज वन साइडेड लव। एक बंदा किसी से इतना प्यार कर लेता है कि वो उसके बाद किसी दूसरे को देख ही नहीं पाया, किसी दूसरे से अपना दिल लगा ही नहीं पाया। मूवी का 96, मूवी के मेन लीड हीरो हैं विजय सेतुपति, और मूवी की मेन एक्ट्रेस हैं त्रिशा। मूवी हिंदी डब के साथ MX प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है, तो भाई देखना तो बनता है। इतनी कमाल की पिक्चर आपको फ्री में देखने को मिल रही है, इससे बड़ी बात क्या ही होगी। मूवी में इन्होंने ऐसे ऐसे सीन्स क्रिएट किए हैं जो कि एकदम बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, जैसे कि अगर आपकी क्रश आपके सामने आ गई तो एकदम से दिल की धड़कने तेज हो जाना। और जो अगली मूवी है, दैट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, बल्कि ये एक हॉलीवुड मूवी है। मूवी का नाम है लाला लैंड, जो कि आपको हिंदी में भी कहीं पर नहीं मिलेगी, अनफॉर्चुनेटली आपको इंग्लिश में ही देखनी होगी, लेकिन मूवी इतनी अमेजिंग है कि मेरे को इस मूवी को इस लिस्ट में ऐड करना ही पड़ा। ये मूवी हमको एक जर्नी दिखाती है दो अडल्ट्स की, जिनको कि अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं और साथ में उनकी लव लाइफ भी। मूवी के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मूवी का जो एंड है, इट हिट हार्ड। एंड में एक डायलॉग तक नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है वो सब कुछ कह देती है। तो बस यही कहूंगा कि भाई इस पिक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि मूवी को 6 ऑस्कर मिले हुए हैं, जिसमें कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी इंक्लूडेड है, और पिक्चर बेस्ट मूवी की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। तो अगर आपको थोड़ी भी इंग्लिश आती है तो भाई एक बार तो देख लेना। और इन सब के बाद जो एंड में मूवी आती है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट लव स्टोरी मूवी, इसके बाद
बाद से लिटरली मैंने लव स्टोरीज मूवीज देखना स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा ऐसे लव स्टोरीज मूवीज देखता नहीं हूँ, मेरे को पर्सनली इतनी पसंद नहीं है। लेकिन ये मूवी देखने के बाद मैंने सोचा नहीं भाई, ऐसी पिक्चरें भी अच्छी होती है और इनको भी देखना बनता है। ये पहली ऐसी लव स्टोरी मूवी थी जो कि मेरे को इतनी पसंद आ गई थी कि मैंने इसको दो बार देखा है। ये मूवी है साउथ की और मूवी का नाम है सीतारामम। भाई साहब क्या मूवी है, और मूवी के बारे में मैं आपको इतना सा भी नहीं बताऊंगा, बस मेरे कहने पर जाकर देख लो। हॉटस्टार पर हिंदी डब के साथ अवेलेबल है, गो। बाकी इसके अलावा अगर और भी कोई अच्छी सी ऐसी कोई लव स्टोरी मूवीज हो जो कि आपको बहुत अच्छी लगी और मैंने नहीं देखी हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर से चेकआउट करना चाहूंगा। बाकी अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।